हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे से होंगे और सभी का तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा। इससे पहले जितने भी सोम में हमने पढ़ा रखा है वो सारा कुछ आपने पढ़ा समझा और उनके प्रॉपर रिवीजन आपका चल रहा होगा, ठीक है। अब चालू करते हैं। वो सभी बेसिक्स थे, अभी भी बेसिक चलेंगे। शियर फोर्स, शियर फोर्स का डिफिनेशन क्या है? तो सबसे पहले ध्यान रखना, शियर फोर्स जो होता है ये एक तरह का इंटरनल फोर्स होता है। क्या होता है ये? इट इज इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स कहने का मतलब है मेंबर जो भी है उसके अंदर हमको दिखेगा ये शियर फोर्स। समझ में आ रहा है? ये एक तरह का इंटरनल फोर्स है, वो होती है शियर फोर्स। अब इसको मैं डिफाइन करता हूं, इसका मैं दो डेफिनेशन बताऊंगा। अब ये दो डेफिनेशन क्या है? एक डेफिनेशन मैं बताऊंगा जो किताबों में लिखी रहती है, किताबी डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन बताऊंगा मैं अपना वाला, जिसको यूज करके न्यूमेरिकल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर एक एक डेफिनेशन को हम समझेंगे बड़ा डिटेल में। देखिए, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सोम जैसा पेपर हो गया, स्ट्रक्चर जैसा पेपर हो गया, RCC जैसा पेपर हो गया, स्टील जैसा पेपर हो गया, इन सभी पेपर का आप ये बोलोगे कि मैं आपको PDF उठा के दे दूं और PDF पे समझा दूं, देखो बाबू ये डेफिनेशन है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, और वही PDF पे पढ़ के सुना दूं एवेंजर टीम जैसा, तो कोई मतलब का नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा, सब कुछ ऊपर ऊपर निकलेगा। तो इसलिए इस तरह का जो पेपर है ना, इसको लिखना चाहिए। बाकी ये जो PDF मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये तो अवेलेबल करा दूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका अपना कॉपी जब रहता है ना तब मजा ही कुछ और आता है। तो आप लिखते चलिए, जितने भी डायग्राम वगैरह मैं बनाता हूँ चीज़ों को बहुत सुंदर भाव में अच्छे से फील लेते हुए समझते हुए डायग्राम बनाते चलिए, तो धीरे धीरे सोम समझ में आएगी, क्योंकि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है आपका पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। ये पेपर स्किप हुआ मतलब पूरा सिविल इंजीनियरिंग ही स्किप हो जाएगा माइंड से, कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर रटा रटा लगेगा सब कुछ, ये रट रहे हैं, वो रट रहे हैं, वो रट रहे हैं, रटा रटा यह चीज़ लगेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या, हम लोग थोड़ा भूत टाइप के आदमी हैं, ओके। अभी दिन भर काम करके आए, रात में अभी ये क्लासेस जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये ढाई लगभग 1:30 बज रहा है, मैं अभी रिकॉर्ड करूँगा, 3 बजे तक हम सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर ड्यूटी निकलेंगे, फिर शाम में आएंगे, फिर क्लासेस आप लोगों के लिए। तो चलिए, एक कहावत है ना, माया मरे ना मन मरे, मरे मरे गए शरीर, आशा आशा तृष्णा ना मरे, यूँ कह गए कबीर, ठीक है। ये कहावत है बड़ा फेमस, इंसान का मोह माया कभी नहीं मिटता। तो हमारा मोह माया है कि हम कुछ कर, माया है कि आपको किसी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है ना। चलिए डेफिनेशन लिखता हूँ, ऑल द बेस्ट, सिलेक्शन होगी, डेफिनेटली होगी, नॉट टू वरी, बस हमें पढ़ना है सही तरीके से, वो जरूरी है। शियर फोर्स क्या होता है इसका डेफिनेशन मैं अभी आपको लिखता हूँ। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये हमने डेफिनेशन लिखा है, आप भी लिखते चलिए, मैं डिक्टेट करते चलता हूँ, और स्पेलिंग में कहीं आपको लगेगा दिक्कत आ रही है लिखने में तो यहाँ से लिखा हुआ है, पढ़ के आप लिख लीजिएगा। द शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज द इंटरनल फोर्स, पहला कीवर्ड, किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स जो है वो एक इंटरनल फोर्स है अप्लाइड एट दैट सेक्शन, जो कि उस सेक्शन पे अप्लाई किया गया है टू कन्वर्ट द फ्री बॉडी डायग्राम, कौन सा डायग्राम बाबू, फ्री बॉडी डायग्राम, इंटू इक्विलिब्रियम, इंटू व्हाट, इंटू इक्विलिब्रियम, आइदर टू लेफ्ट ऑफ सेक्शन और राइट ऑफ सेक्शन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ये लो अंडरलाइन कर दिया। तो ये जो पूरा का पूरा डेफिनेशन है इसमें जो कीवर्ड्स हैं, इंटरनल फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए एक इंटरनल फोर्स किसी एक सेक्शन पे अप्लाई की गई है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, वो जो इंटरनल फोर्स है वो फोर्स होता है शियर फोर्स। समझ में आया डेफिनेशन, इसके अकॉर्डिंग मैं चीजों को समझाता हूँ, उसके बाद फिर इसका दूसरा डेफिनेशन जो है हमारा वाला वो आपको देंगे। तो पहले इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो देखो,
मान लो कोई एक बीम है, क्या है, एक बीम है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एक एल लेंथ का एक बीम आपके पास है। यहाँ पे कुछ इस तरह से सपोर्टेड है, सिंपली सपोर्टेड बीम है ये, तो एक तरफ हिंज दिखा दूंगा, एक तरफ मैं रोलर दिखा दिया, ठीक है। लेट्स सपोज इस सपोर्ट का नाम मैंने लिख दिया ए और इस सपोर्ट का नाम मैंने लिख दिया बी, और इन दोनों के बीच जो सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है, लेट्स सपोज उसी को नाम बोलेंगे लेंथ ऑफ द मेंबर, तो इसको मैंने दिखा दिया एल, ये है आपका लेंथ ऑफ द मेंबर एल, समझ में आया। नाउ इस बीम के एक कंसंट्रेटेड लोड अप्लाई कर देता हूं आपको, लेट्स सपोज सेंटर पे, एकदम एकदम सेंटर पे, मतलब एल बाई टू पे एक मैंने लोड अप्लाई कर दिया है, पी पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड पी अप्लाई कर दिया है ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम जो करेंगे, हम ये करेंगे कि सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करने होंगे, एक्शन हमें कैलकुलेट करने ही होंगे, है ना। सोम के अंदर अब जो भी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करने जाओगे, मान लो उसमें सपोर्ट रिएक्शन दिया है तो ठीक है, और एस एफ डी बी एम डी के क्वेश्चन में जनरली सपोर्ट रिएक्शन देता नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट करना। और सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, सोम के अंदर सिंपली इक्विलिब्रियम इक्वेशन को अप्लाई करने के बाद अपना सपोर्ट रिएक्शन निकल जाएगा, क्योंकि इनडिटरमिनेट एनालिसिस जो है, इनडिटरमिनेट मेंबर का एनालिसिस वो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर, जहां पर हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस पढ़ेंगे, है ना। तो कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस को अप्लाई करने के बाद फिर वो इनडिटरमिनेट सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे, तो वो अपने आप में एक अलग मेथड है, वो अपने आप में कन्वेंशनल क्वेश्चंस बनती है वहां से, ओके। तो वो कन्वेंशनल वाली पार्ट हो जाती है स्ट्रक्चर एनालिसिस में, लेकिन सोम के अंदर आपको जितने भी सवाल दिए जाएंगे उसमें ऐसा होगा कि आप केवल और केवल इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो मैंने इससे पहले वाले क्लास में आपको बताए थे, तीन इक्विलिब्रियम कंडीशंस, उनको अप्लाई करने के बाद सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेंगे, या फिर यदि इंटरनल हिंज देता है तो एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपको उस इंटरनल हिंज के लोकेशन पे अतिरिक्त मिल जाती थी, समझ में आ रहा है। तो उन कंडीशंस को यूज करके हम सपोर्ट रिएक्शंस इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, ओके। सोम का यही बेसिक रहता है, तो पहला स्टेप यही होता है, आप सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट कीजिए। तो सपोर्ट रिएक्शन, तो सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकालोगे भाई, इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करेंगे, तो पहले कौन कौन से सपोर्ट रिएक्शन ये तो देख लो। हिंज पे यहाँ पे दो रिएक्शन, लेट्स सपोज इसको मैंने बोल दिया आर ए, और यहाँ पे इस रोलर पे एक रिएक्शन आर बी। नाउ हिंज पे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक रिएक्शन एच ए। तो सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करना होगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का यूज करना होगा। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन पहला, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एफ ऑफ बी इक्वल टू जीरो, तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स एफ ऑफ बी इक्वल टू जीरो। अच्छा ये जो पी लोड है, पॉइंट लोड, ये एकदम सेंटर पे मैंने बोला है, सेंटर पे बोला है मतलब किसी भी सपोर्ट से एल बाई टू डिस्टेंस पे, क्लियर। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू जीरो कहने का मतलब है आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी, दिस इज इक्वेशन वन। दूसरा इक्वेशन, तो यहां से देखो इस वाले इक्वेशन से, पहला इक्वेशन जो लिखा, यहां से हमारा कोई भी रिएक्शन निकल गया क्या, दो अननोन रिएक्शन है, आर ए का वैल्यू नहीं मालूम, आर बी का वैल्यू नहीं मालूम, तो ये कैलकुलेट हो रहा है क्या, नहीं कैलकुलेट हो रहा है, तो ये हमको मालूम ही नहीं है। तो इस एक इक्वेशन से कोई एक वैल्यू निकल सकता है, कोई एक वैल्यू कैसे, लेट्स सपोज हम आर ए का वैल्यू अगर लिखेंगे तो आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी माइनस आर बी, लेकिन आर ए का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमको आर बी का वैल्यू मालूम होना चाहिए, तो अभी फिलहाल तो मालूम नहीं हो रहा है, ओके। उसी तरह अगर आर बी का वैल्यू लिखोगे तो आर बी इक्वल टू पी माइनस आर ए, तो आर बी का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आर ए का वैल्यू हमको मालूम होना चाहिए, तब जाके आर बी का एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा, लेकिन अभी तो मालूम नहीं हो रहा है, बस केवल ये एकमात्र इक्वेशन लिखने से, है ना। तो हमें और कोई अतिरिक्त इक्वेशन चाहिए होगी, ठीक है, वो क्या है देखेंगे, लेकिन पहले आप दूसरा इक्वेशन जो आपका उसको अप्लाई करिए, समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। ये हम दूसरा इक्वेशन लगाते हैं, तो ये लगाओगे तो देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, एक ही फोर्स है एच ए,
और HA को अपोज करने वाला और कुछ है, या लोडिंग वगैरह कुछ है मेंबर में, एक्सियल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? नहीं है। मतलब HA का जो वैल्यू है सीधा सीधा आपको यहाँ से देखते ही जीरो मालूम पड़ रही है। तो ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन को अप्लाई करने के बाद एक वैल्यू आपको निकल गई HA की, और उसकी वैल्यू क्या है? जीरो। नाउ तीसरा इक्वेशन क्या था अपना? तीसरा इक्वेशन जो अपना था, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट, एक मिनट यार, मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस। अब ये किस पॉइंट पे लिखोगे? ए पे लिखो चाहे बी पे लिखो, कहीं भी लिखो, बात बराबर है। तो मैं जनरली जैसे ऐसे मेंबर रहता है तो ए के तरफ से बी के तरफ लिखता हूँ, मतलब ये लेफ्ट हो गई, लेफ्ट से राइट की ओर लिखता हूँ। जनरली आदमी वही करता है ना, ऐसे सीधा चलता है, तो मैं भी जनरली लेफ्ट टू राइट ही लिखता हूँ मोमेंट का इक्वेशन। तो आपको जैसा मर्जी लिखने का हो, अब बी से ए लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ए टू बी मैं लिखता हूँ, तो मैं जैसा लिखता हूँ वैसा प्रैक्टिस किया करो भाई। मतलब होता है ना, इसमें भी बात हो जाती है लेफ्टी राइटी वाली। ओके तो कोई बात नहीं है। तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट जेड एक्सिस अबाउट पॉइंट बी इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ जीरो ऑन दी मेंबर। तो ये जो कंडीशंस लगा रहे हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस है ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इनको लगाने के बाद हम सपोर्ट रिएक्शन को कैलकुलेट कर पाएंगे। देखो बार बार बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ इतना प्यार से, इंपॉर्टेंट है ये सब चीज, बेसिक में आता है। ओके पूछ लेते हैं क्वेश्चन एग्जाम में बेसिक से। तो अब निकालो, लिखो भाई मोमेंट का इक्वेशन। तो मोमेंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखने के लिए मैंने क्या बता रखा था आपको, किस जिस पॉइंट पे लिख रहे हैं उस पॉइंट के अबाउट रिएक्शन हो या लोड हो, उनके कारण टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आप कर दीजिए। तो यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज मूवमेंट किसका है, आर ए इंटू एल, पॉइंट बी पे देखना आर ए इंटू एल। जैसे ये पॉइंट बी है तो यहाँ पे आपका आर ए, यहाँ पे है आर ए लग रहा है, तो आर ए इंटू एल हो जाएगा पॉइंट बी के अबाउट एक मूवमेंट। और ये थोड़ा हैंग करने लगा, रुक जाइए, फंस गया था। तो आर ए इंटू एल इस पॉइंट बी के अबाउट एक मोमेंट देगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसा, मतलब क्लॉकवाइज, आर ए इंटू एल पॉइंट बी पे क्लॉकवाइज। तो ये आर ए इंटू एल हो गया। अब जो पी लोड लग रहा है ये कहाँ, इस तरह से लग रहा है ऊपर से नीचे, ट्रांसवर्स लोडिंग ये भी है, एल बाई टू पे लग रहा है, मतलब सपोर्ट बी से भी एल बाई टू। अब इसके कारण किस तरह का मूवमेंट होगा, पी इंटू एल बाई टू ऐसा उल्टा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ये मूवमेंट होगी, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं इक्वेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा सीधा ये वाला क्या हो गया, ये आर ए इंटू एल हो गया आपका, ये हो गया आर ए इंटू एल, और ये वाला हो गया आपका पी इंटू एल बाई टू, पी इंटू एल बाई टू। तो मैं इक्वेशन सीधा लिखूंगा आर ए इंटू एल माइनस पी इंटू एल बाई टू, एक मिनट, पी इंटू एल बाई टू मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से सॉल्व करिए इस इक्वेशन को, और किसी के कारण मोमेंट आएगा क्या, नहीं, आर बी तो पॉइंट बी से ही पास कर रही है। तो मैंने बोला था फोर्स जैसे पॉइंट बी से ही पास कर रहा है तो मोमेंट नहीं आएगा, लेकिन मान लो यही आर बी यहां से लगता, मतलब पॉइंट बी से किसी डिस्टेंस पे लगता है, तो इसके कारण मोमेंट आ जाते। लेकिन चूंकि पॉइंट बी से ही आरबी पास कर जा रही है तो उसके कारण किसी भी तरह का मोमेंट पॉइंट बी पे नहीं आएगा, है ना। और ये हम मोमेंट का इक्वेशन पॉइंट बी पे लिख रहा है, इसमें सभी फोर्सेस को कंसिडर कर लिए, और एच ए के कारण भी नहीं आएगी, क्यों, एच ए का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पॉइंट बी से ही पास कर रहा है, मतलब फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो उस पॉइंट से पास नहीं करना चाहिए जिस पॉइंट के लिए हम मोमेंट का इक्वेशन लिख रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम मोमेंट का इक्वेशन लिख रहे हैं उस पॉइंट से किसी भी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पास नहीं करना चाहिए। अगर लाइन ऑफ एक्शन पास कर रहा है उस पॉइंट से, मतलब जिस पॉइंट पे आप मोमेंट का इक्वेशन लिखोगे किसी फोर्स का, तो उस फोर्स के कारण मोमेंट नहीं आएगी उस पॉइंट पे, समझ गया। जैसे पॉइंट बी से आर बी पास कर रहा है, एच ए का लाइन ऑफ एक्शन देखो ऐसे लग रही है, एच ए का लाइन ऑफ एक्शन बी से पास कर रहा है, लेकिन पी का लाइन ऑफ एक्शन कैसे है, ये ना पॉइंट बी से तो कनेक्टेड ही नहीं है, आर ए पॉइंट बी से कनेक्टेड ही नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट। लाइन ऑफ एक्शन मतलब पी का लाइन ऑफ एक्शन ये है ना, ऐसा, आर ए का लाइन ऑफ एक्शन इधर है, एच ए का लाइन ऑफ एक्शन आप देखोगे तो ऐसे आपको दिख जाएगा कि वो बी से पास कर रही है,
ये एच ए, आरबी सेम, ये देखो ये पॉइंट बी से पास कर रही है, आरबी का लाइन ऑफ एक्शन और एच ए का, तो इसलिए एच ए और आरबी के कारण किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं आएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, बट पी और आर ए इनका लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट बी से पास नहीं कर रहा है, तो इनके कारण मूवमेंट आएगी जो कि आपको दिख रही है। क्यों? मूवमेंट लिखने का तरीका क्या होता है, फोर्स इनटू उस पॉइंट से वो फोर्स कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है एच ए और आर बी के कारण, इसलिए नहीं आया, है ना, क्लियर है, मुद्दा समझ में आई, गर्माहट, ओके। राहुल गांधी अच्छा आदमी है, आर ए इंटू एल इक्वल टू पी इंटू एल बाई टू, तो आर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे, देखो माइनस है इधर, इक्वल टू के उधर जाएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, इधर आर ए इंटू एल है, उधर पी इंटू एल बाई टू है, तो ये एल एल दोनों बगल से कट जाएगी, आर ए की वैल्यू क्या बचेगी, पी बाई टू, तो आर ए का वैल्यू आपने यहाँ से निकाल लिया, आर ए इक्वल टू सपोर्ट रिएक्शन पी बाई टू, पी बटा दो, तो आर ए पी बटा दो निकल गया। तो अब क्या करेंगे, तो ये जो मोमेंट इक्वेशन हमने तीसरा वाला इक्वेशन अप्लाई किया, ये इक्वेशन मेरा निकला काम का, क्यों, इससे एक सपोर्ट रिएक्शन तो मेरे को मिल ही गया, और हमेशा ध्यान रखना मोमेंट इक्वेशन से एक सपोर्ट रिएक्शन एनी टाइम एक रिएक्शन कैलकुलेट होगी होगी। फिर उसके बाद जैसे यहां से एक वैल्यू कैलकुलेट हो गया, अब हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे इस वैल्यू को, इक्वेशन वन क्या है, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू पी, इक्वेशन वन में वैल्यू को पुट कर दीजिए आर ए का, तो आर बी बराबर इक्वेशन वन से फिर क्या निकल जाएगा, यहां से जब आप पुट कर देंगे आर ए का वैल्यू पी बाई टू, पी बाई टू प्लस आर बी इक्वल टू पी, तो पी माइनस पी बाई टू इक्वल टू आर बी, मतलब पी बाई टू, तो आर बी का जो वैल्यू है आपको ये वैल्यू भी मिल जाएगा पी बटा दो, और तो और दोनों का वैल्यू आया पॉजिटिव, कैलकुलेशन करने के बाद जब हमने कैलकुलेशन किया तो दोनों का वैल्यू आया पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है इस फिगर में जो फिगर मैंने कंसिडर किया था और उसमें जो रिएक्शन वगैरह का डायरेक्शन मैंने दिखा रखा है ना, वो डायरेक्शन एकदम सही है, इसलिए वैल्यू आ गई पॉजिटिव में, समझ गया बात को, अगर नेगेटिव आती तो फिर मैं ये कहता कि हाँ डायरेक्शन जो मैंने इधर एज्यूम किया रिएक्शन का वो उल्टा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन आगे क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे होगा तो कहीं दिखा देंगे। वैसे मैंने लास्ट क्लास में एंडिंग में वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन भी किया था आपको कि करना क्या है, फिर उसके बाद तो उन चीजों को ध्यान रखना, आगे इसलिए बता रहे हैं उन सब चीजों को क्योंकि आगे धीरे धीरे इस्तेमाल करने लगेंगे हम, ठीक है। तो ये आपने सपोर्ट रिएक्शन निकाल लिया, अब मैं इसी सपोर्ट रिएक्शन को यहाँ पे दिखा के दूसरा फोटो बनाता हूँ, कोई जरूरी नहीं है दूसरा फोटो बनाने का, कोई जरूरी नहीं है, अब मैं ऐसा करता हूँ सेक्शन कट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, शियर फोर्स, शियर फोर्स मैंने क्या बोला, इंटरनल फोर्स है, तो इंटरनल फोर्स है तो वो मेंबर के अंदर होगा, तो हमको मेंबर को काटना होगा, जब हम मेंबर को काटेंगे तब हमें वहां पे शियर फोर्स दिखना चाहिए क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है, तो काटो, किधर काटोगे, कहीं भी काट लो यार, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे एक एक्स एक्स सेक्शन कट कर दिया, ये एक एक्स एक्स सेक्शन कट कर दिया, अभी ये एक्स एक्स सेक्शन कट करने का मतलब क्या है, इस सेक्शन के अबाउट, और ये एक्स एक्स सेक्शन को मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे भी कंसिडर किया हूँ, लेट सपोज ये तरीका होता है बेसिक चीजें, ठीक है, लेट सपोज कि इस एक्स एक्स सेक्शन को मैंने एट एक्स डिस्टेंस मैंने कंसिडर किया है फ्रॉम सपोर्ट ए, ऐसे डिफाइन कर सकते हो या फिर आप डिफाइन कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू सपोर्ट बी, कि ये एक्स एक्स सेक्शन को सपोर्ट बी से मैंने एक्स डिस्टेंस पे कैलकुलेट किया है, जैसा सहूलियत होगा, ठीक है, हम वैसे डिफाइन करेंगे, लेकिन मैंने अभी ऐसे, चलो ऐसे डिफाइन कर दिया। अब ये क्यों कर रहा हूँ ये समझ में आएगा आगे जब हम बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखा करेंगे, तब वहां पे समझाऊंगा, है ना, लेकिन ऐसा करते हैं, ध्यान दीजिए अच्छे से, ठीक है। तो हम सपोर्ट ए के रेस्पेक्ट में ये एक्स एक्स सेक्शन को डिफाइन कर दिए, काटना है मतलब इस एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट मेंबर को अलग कर दीजिए, दो हिस्सों में बांट दीजिए, समझ गए, इस एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट मेंबर को दो हिस्सों में बांट देंगे, क्या करेंगे, बांट देंगे। तो बांटने के बाद क्या होता है मैं आपको दिखाता हूं, पहले मैं मुझे बांटने दीजिए, इसको बांट देता हूं,
तो देखो भाई, दो अलग अलग टुकड़ों में मैंने बांट दिया मेंबर को, ठीक है। ये वाला लेंथ कितना ले लिया था अपन ने, ये एक्स लेंथ ले लिया था, मतलब एक्स एक्स सेक्शन तक का। और पूरे मेंबर का लेंथ कितना था, पूरे मेंबर का लेंथ था आपका एल। तो ये वाला पोर्शन का लेंथ क्या बच जाएगा, एल माइनस एक्स बच गया। अब क्या क्या चीजें थी पहले, इससे पहले डायग्राम में, ये सपोर्ट ए था, तो यहां पर एक रिएक्शन आपको मिला था आर ए का वैल्यू, जिसका मैग्नीट्यूड था P/2। सिमिलरली यहां पर भी आपको एक सपोर्ट रिएक्शन मिला था वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड कितना था, मतलब वैल्यू था आर बी, और मतलब नाम था आर बी और मैग्नीट्यूड था इसका भी P/2। ये चीजें मिली थी, ठीक है। और जो एक्स एक्स सेक्शन है, अब देखना एक्स एक्स सेक्शन में कैसे दिखाऊंगा अब यहाँ पे, ये जरूरी है, सब फीलिंग लो, मजा लो। ये देखो, यहीं पे कहीं पे एक्स एक्स सेक्शन था जिसके अबाउट मैंने काट दिया, ये मेरा रियल एक्स एक्स सेक्शन है, और इस सेक्शन के अबाउट मैंने मेंबर को, मतलब ये जो पूरा कंप्लीट एक मेंबर थी, इसको दो हिस्सों में बांट दिया। कितने हिस्सों में बांट दिया, दो हिस्सों में बांट दिया। अब देखो मुझे ये बताओ, लेफ्ट राइट जानते हो, दाया बाया, लेफ्ट राइट बाया दाया, सब जानते हो कि नहीं। इस एक्स एक्स सेक्शन का राइट साइड कौन सा है और इसका लेफ्ट साइड कौन सा होगा, सोचिए। ये एक्स एक्स सेक्शन अपने कॉपी में देखो, फोटो बना रहे हो तो कॉपी में देखो, इसका लेफ्ट कौन हो गया, राइट कौन हो गया। राइट मतलब इस हाथ से खाते हो क्या, जिस हाथ से खाते हो वही राइट है। तो जैसे एक्स एक्स सेक्शन है, आप सोचो कि आप एक्स एक्स सेक्शन पे ही खड़े हो, आप किधर खड़े हो, एक्स एक्स सेक्शन पे ही खड़े हो, अपना राइट देखो तो जो दिखेगा वही एक्स सेक्शन का राइट होगा, अपना लेफ्ट देखो जो दिखेगा वही एक्स सेक्शन का लेफ्ट हो। तो मैं देख रहा हूं एक्स सेक्शन पे खड़ा हूं, राइट साइड है, और ये वाला उसका लेफ्ट वाला साइड है। क्या आपको भी ऐसा ही दिखता है, क्या मैं सही लिखा हूं, सोचो दिमाग में। अगर नहीं दिखता है तो एक बार फिर से देखने का कोशिश करिए, कैसे एक्स एक्स सेक्शन पे ही खड़ा हो जाओ। खड़ा होने के बाद अपना राइट, जैसे ये मेरा राइट है तो अपना राइट देखो भाई, इधर दिख रहा है, अपना लेफ्ट देखो, समझ गए, खुद का राइट और लेफ्ट देखिए, ओके। एक्स एक्स सेक्शन पे खड़ा हो गया। अब मुझे ये बताओ, जैसे ये लेफ्ट राइट वाला हिस्सा हो गया, ये लेफ्ट वाला हिस्सा हो गया, अब मैं ये बोलूंगा अगर आप एक्स एक्स सेक्शन पे खड़े होके देख रहे हो राइट साइड के तरफ, राइट साइड के तरफ सोचना, राइट साइड के तरफ देख रहे हो एक्स एक्स सेक्शन पे खड़े होके, तो आपको ये वाला चेहरा दिखेगा मेंबर का, मतलब ये वाला इस बीम का ये वाला फेस दिखेगा, ये जो पिंक कलर से मैंने बनाया देखो, ये वाला फेस आपको दिखेगा। तो ये जो फेस है एक्स एक्स सेक्शन का कौन सा फेस है, राइट फेस है, क्योंकि वो राइट साइड पे है, समझ गए बात को। इसको मैं क्या बोलूंगा, राइट फेस बोलूंगा, राइट फेस, समझ गए। उसी तरह से आप एक्स एक्स सेक्शन पे खड़े होकर लेफ्ट साइड देखोगे तो जो फेस दिखेगा मेंबर का, कटा हुआ जो चेहरा दिखेगा, वो कौन सा फेस है, लेफ्ट फेस होगा, है ना। इसको हम बोलेंगे लेफ्ट फेस। सारा टर्म वगैरह समझिए, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट फेस बोल देंगे अंग्रेजी में। यहां तक चीजें क्लियर है, ठीक है। अब एक एक हिस्सा को इंडिपेंडेंटली देखो, अब क्या देखोगे, एक एक हिस्से को इंडिपेंडेंटली देखो, राइट वाले हिस्से को या छोड़ो, राइट वाले हिस्से को छोड़ो, पहले लेफ्ट वाले हिस्से को ही देख लो, इंडिपेंडेंटली देखो, राइट वाले हिस्से से मतलब नहीं है। जब आपने एक्स सेक्शन के अबाउट इस मेंबर को काट दिया, काट देने के बाद अगर मैं ये लेफ्ट वाला हिस्सा आपको बना के दिखाऊं यहाँ पे, तो इस तरह का कुछ मेंबर है, बीम है, एक्स लेंथ का बीम है, ठीक है। और इस मेंबर के ऊपर यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, जिस जो सपोर्ट रिएक्शन है आर ए, ऐसा ही कुछ कंडीशन है यहाँ पर। वहां पे मैंने 2D में बनाया हो, वहां लाइन डायग्राम बना दिया, इसको बोलता है लाइन डायग्राम, रेखा, सिर्फ लाइन लाइन यूज करके डायग्राम बनाओगे, है ना, तो उसको लाइन डायग्राम बोलते हैं। वहां पे थोड़ा मैंने आपको दिखा दिया मोटापा बीम का,
कोई बात नहीं है ऐसा, लेकिन समझने वाली चीज है, फीलिंग लीजिए, भाव लीजिए, यहां पे क्या गड़बड़ी है? ये जो डायग्राम है ना, कौन सा, ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है या राइट वाला हिस्सा है, हमने क्या किया, एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट बॉडी को काट दिया, मतलब उस एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट मेंबर को, बॉडी को फ्री कर दिया, क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है, समझ रहा कैसे लिंकअप कर रहा हूं, इस एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट इस मेंबर को हमने फ्री कर दिया, क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तो ये जो डायग्राम बन रही है लेफ्ट वाली और राइट वाली हिस्से की, इन्हीं डायग्राम को हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। एक टर्म और समझ गए बात को, यही डायग्राम होगी आपका फ्री बॉडी डायग्राम। क्या हो गया बाबू, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम दिख गया आपको, ये भी एक फ्री बॉडी डायग्राम है, इधर वाला भी एक फ्री बॉडी डायग्राम है। यहाँ पे जो मैंने आपको बना के दिया है लेफ्ट वाले फेस का, मतलब लेफ्ट साइड का मेंबर का, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, एक्स एक्स सेक्शन के लेफ्ट साइड का फ्री बॉडी डायग्राम है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम में गड़बड़ी क्या है, गड़बड़ी क्या मैं बताता हूँ। जब आपने बॉडी को एक्स सेक्शन के बाद फ्री कर दिया, तो ये लेफ्ट वाला हिस्सा आपको मिल रहा है, ये लेफ्ट हिस्से में आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, रियलिटी बताना। यहाँ पे एक सपोर्ट रिएक्शन लगता हुआ दिख रहा है बस, और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। ये जो सपोर्ट रिएक्शन ऐसे लग रहा है यहाँ पे, इसके कारण क्या मेंबर ऐसा ऊपर नहीं जा रहा है, अरे कोई नीचे से ऊपर ठेल रहा है ना, ऐसा ही तो लग रहा है यहाँ पे। तो ये मेंबर ऊपर नहीं जा रहा है, क्यों, बैलेंस करने वाला इसको कोई नहीं है ना, इस अब इस वाले फोर्स को, इस वाले पार्ट के लिए देखो, पूरे बीम में क्या है नहीं है उसको भूल जाओ, केवल अब लेफ्ट पार्ट को देखो, लेफ्ट पार्ट को एज ए बीम समझिए, है ना ऐसा। और उस पार्ट पे देखो कि ये जो रिएक्शन है, इसके कारण रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो रही है मेंबर की, फोर्स अनबैलेंस है। तो आपको समझ में आना चाहिए ये कि आरए का जितना वैल्यू है, इसी के बराबर का एक फोर्स अगर यहां पे लग रहा होता इस दिशा में, ठीक है, तब फिर ये जो हिस्सा है लेफ्ट वाला हिस्सा, ये इक्विलिब्रियम में रहती, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहती। मतलब अब इसका रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट जैसा पहले हो रहा था कि वह ऊपर चला जा रहा था ड्यू टू आरए, अब वो नहीं होगा, वो अपने इक्विलिब्रियम में है। क्यों, जो आरए का वैल्यू है उसी के वैल्यू के बराबर अपोजिट दिशा में उसका फ्री एंड पे, मतलब दूसरे एंड पे हमने एक फोर्स लगा दिया, जो कि अब ये जो फ्री बॉडी थी अब ये इक्विलिब्रियम में आ गई। किसमें आ गई ये फ्री बॉडी, किसमें आ गई बाबू, इक्विलिब्रियम में आ गई। समझे चीजों को, क्या तो समझ रहे हो। तो हमने लेफ्ट हिस्से को, लेफ्ट हिस्सा का जो फ्री बॉडी था, इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में एक फोर्स हमने यहां पे लगाया है। तो ये एक इंटरनल फोर्स लगा है, ठीक है, ये एक किस तरह का फोर्स है, दिस इज वन इंटरनल फोर्स। समझ में आया। नाउ अब देखो भाई, अब बात सुनना कॉन्सेप्ट, ऐसे इधर से हल करा के दिखाऊंगा, मतलब राइट साइड वाला जो है इसको भी हल करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं एक छोड़ो, मैं इसको हल करता हूं। तो ये लेफ्ट हिस्से को आपने इक्विलिब्रियम में लेते आया, अब राइट साइड वाले को इक्विलिब्रियम में लाने का कोशिश करिए। देखिए राइट साइड में फोर्स मेंबर में क्या है, फोर्स अनबैलेंस है कि नहीं है इसके फ्री बॉडी में। देखो यहाँ पे पी बाई टू फोर्स ऊपर लग रहा है, यहां पर पी फोर्स लग रहा है नीचे, तो पी माइनस पी बाई टू, पी माइनस पी बाई टू कितना हो गया, पी बाई टू बच रहा है, कितना बच रहा है, पी माइनस पी बाई टू। देखो पी ऊपर से नीचे लग रहा है, नीचे से ऊपर पी बाई टू लग रहा है, तो पी माइनस पी बाई टू करेंगे तो क्या बचेगा, पी बाई टू पॉजिटिव में बचेगा, किसमें बचेगा, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में बच रहा है, अब पॉजिटिव हम क्यों, अब देखो पॉजिटिव में बच रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मेंबर के ऊपर, इस वाले मेंबर के ऊपर एक नेट अनबैलेंस फोर्स है। किस दिशा में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और कितने मैग्नीट्यूड का, पी बाई टू मैग्नीट्यूड का।
इस मेंबर के ऊपर एक नेट अनबैलेंस फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में पी बाई टू मैग्नीट्यूड का। तो अब इस पी बाई टू फोर्स के कारण क्या होगा, तो जो अनबैलेंस्ड फोर्स है इस फ्री बॉडी पे ये नीचे नीचे जाएगा पी बाई टू फोर्स के कारण। तो बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना होगा, उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लाने के लिए क्या करना होगा, जो भी अनबैलेंस्ड फोर्स है उसको उसके इक्वल एंड इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स हमें प्रोवाइड करनी होगी अपोजिट डायरेक्शन में, तब वो फोर्स बैलेंस हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा इस फ्री बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, यहां पर एक फोर्स लगा दूं अगर मैं पी वाई टू का, तो देखिए पी वाई टू ऊपर, इधर पी वाई टू ऊपर बराबर कितना आ रहा है पी, तो क्या अब ये मेंबर बैलेंस हो जाएगा, राइट वाला हिस्सा बैलेंस हो जाएगा। तो क्या पहले जो फ्री बॉडी थी जो अनबैलेंस थी, क्या अब ये इक्विलिब्रियम में आ गई, आ गई। क्या लगाया आपने इस वाले फेस पर, ऊपर की दिशा में एक फोर्स आपने इंटरनल फोर्स लगा दिया, अपवर्ड लगाया, ठीक है, क्या लगा दिया एक इंटरनल फोर्स। और ये जो फोर्सेस है अपवर्ड तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन है कि नहीं जी बताओ, बिल्कुल है। तो यही जो इंटरनल फोर्सेस आप लगा रहे हो इसी को हम कहते हैं सीयर फोर्स एट दैट एक्स एक्स सेक्शन। और इसका इसको हम लिखते कैसे, इसको लिखते हैं एस एक्स, एस एक्स सीयर फोर्स एट एक्स एक्स सेक्शन, या फिर आप ऐसे भी देखिए बहुत सारी किताब में ऐसे लिखा रहता है एस एफ एट एक्स सेक्शन, एस एफ एक्स, मैं एस एफ एक्स ही लिखता हूं, एस सीधा एस नहीं लिखता मैं, एस एफ एक्स भी लिखता हूं, ठीक है। तो कभी एस एक्स लिखूं या एस एफ एक्स लिखूं, आपको समझ जानी है कि वो क्या है सीयर फोर्स एट दैट एक्स एक्स सेक्शन। तो देखिए ये जो सीयर फोर्स है, डेफिनेशन से कीवर्ड मैच करते चलना, डेफिनेशन एक बार पढ़ो जो लिखा है, इंटरनल फोर्स दिख रहा है मेंबर को काटा फिर अंदर लगा है इंटरनल फोर्स, सीधा क्लियर बात। इंटरनल फोर्स जो लगाया आपने क्यों लगाया, एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट जब आपने मेंबर को फ्री किया तो जो फ्री बॉडी है उसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जो आप फोर्स लगा रहे हो इंटरनल फोर्स इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगा, देखो y एक्सिस के अलोंग लगा, ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग लगा, इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन दैट पर्टिकुलर फोर्स इज कॉल्ड एज योर सीयर फोर्स। तो यहाँ पे दिख रहा है सीयर फोर्स का डेफिनेशन और चीजें होती हुई, तो जो आई बात, दिस इज योर सीयर फोर्स, ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर एक्स एक्स सेक्शन। तो ये है किताबी डेफिनेशन, बट इतना ये सारा बेसिक पिक्चर क्लियर होना चाहिए डेफिनेशन का भी, बहुत जरूरी। तो ये है आपका सीयर फोर्स जो कि है एक तरह का इंटरनल फोर्स, ये कीवर्ड है ध्यान रखना, इंटरनल फोर्स। बेंडिंग मूवमेंट भी एक तरह का इंटरनल मूवमेंट होता है, ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट का जब अभी डेफिनेशन लिखवाऊंगा उसमें भी ये इंटरनल वर्ड यूज करूंगा। तो सीयर फोर्स हो गया, बेंडिंग मूवमेंट हो गया, ये सब चीजें इंटरनल वाली चीजें हैं। क्यों फोन करते हो भाई, ठीक है समझ रहे हैं, बढ़ती है अंदर लेकिन फिर भी थोड़ा चलो यार। तो ये आपका इंटरनल फोर्स है, लिख सकते हैं। अब मेरा यहाँ पे दो सवाल, पहला ये जो फोर्स यहाँ पे दिखा रहे हो एस एक्स, इसका मैग्नीट्यूड क्या है बताओ, मैग्नीट्यूड क्या है बताइए। दूसरा आप मुझे ये बता दो सर कि जो भी मैग्नीट्यूड आएगा उसका साइन क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्या होगा ये बताना है, कैसे बताएंगे समझना, यहां से बहुत अटेंशन देने वाली चीज है, ठीक है। ये वाला पोर्शन मैं इरेज कर देता हूं, थोड़ा सा काम तो हो ही गया, समझने के टाइम पे समझ ही लिए हैं। पहला बात करते हैं मैग्नीट्यूड, किताबी लैंग्वेज बताऊंगा, अभी मैं किताबी लैंग्वेज बता रहा हूं, मैं अपना वाला डेफिनेशन अभी तक इंट्रोड्यूस किया ही नहीं है, है ना, और अभी करूंगा भी नहीं 10 मिनट तक, अभी किताबी लैंग्वेज चलेगा। पहला किताबी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, कैसे निकालोगे देखो, यहां पे जो सीयर फोर्स को आपने डिफाइन किया, आपने क्या किया एक्स 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 सेक्शन कट किया, उसके अबाउट मेंबर को दो हिस्सों में बांट दिया, फिर उनका जो फ्री बॉडी आपको बना उसको आपने इक्विलिब्रियम लाया वर्टिकल डायरेक्शन में, फोर्स बैलेंस किया है वर्टिकल डायरेक्शन में, यही किया है ना, यही किया है। तो फोर्स बैलेंस का जो इक्वेशन था हमारा
वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के देखो किस पे, इंडिविजुअल पार्ट पे, जैसे ये लेफ्ट वाला हिस्सा है, लेफ्ट वाले हिस्से पे समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो अगर मैं इक्वेशन लगाऊंगा, अप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो आर ए ऊपर और एस एक्स इधर नीचे, तो आर ए माइनस एस एक्स इक्वल टू जीरो, और कुछ है नहीं, तो आर ए इक्वल टू एस एक्स ये मिल रहा है, तो एस एक्स इक्वल टू क्या, आर ए, आर ए का जो वैल्यू होगा वही होगा एस एक्स का वैल्यू, तो क्या वैल्यू होगा, पी वाई टू, और आर ए का वैल्यू कैसा है, प्लस में है, तो प्लस पी वाई टू। अब ये प्लस पी वाई टू यहाँ पे जो मैंने लिखा, इसका भी एक अलग कहानी है, अभी बताऊंगा वो कहानी, है ना, बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन अभी ये मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो। तो यहां से वैल्यू पता चल गया इस तरह से, तो हमने क्या किया, जो भी फ्री बॉडी था उसका बस वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम लिख दिया, मतलब फ्री बॉडी को बैलेंस जब हमने किया, इक्विलिब्रियम किया, तो इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया, जैसे लेफ्ट साइड पे आपने लिखा उसी तरह राइट वाले पार्ट के लिए आप लिखोगे, तब भी जाके एस एक्स का वैल्यू यही प्लस पी वाई टू निकल के आएगी। फॉर एग्जाम्पल राइट साइड में अगर मैं लिखूं, ठीक है, राइट वाले हिस्से के लिए, तो यहां ऊपर लिखता हूं, देखना यही पर इक्वेशन समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, यही इक्वेशन लगानी है अपने को, क्यों, हम फोर्स बैलेंस वर्टिकल डायरेक्शन में ही कर रहे हैं, शियर फोर्स इज ए ट्रांसवर्स फोर्स, तो वही इक्वेशन हमको लगानी है, वही से हमारा वैल्यू निकल जाएगा। लेफ्ट वाले में लगा के दिखा दिया, राइट वाले में लगा के दिखाता हूं, देखो कैसे लगाओगे, राइट वाले में अगर मैं लगाऊं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं आर बी प्लस एस एक्स मस्ट बी इक्वल टू पी, इक्वेशन बन जाएगी आर बी प्लस एस एक्स मस्ट बी इक्वल टू पी, तो यहां से पी इक्वल टू क्या निकल, सॉरी एस एक्स इक्वल टू क्या निकल जाएगा, पी माइनस आर बी, तो आर बी का भी वैल्यू कितना, पी वाई टू, तो पी माइनस पी वाई टू पी वाई टू, तो एस एक्स का वैल्यू उस वाले इक्वेशन से भी पी वाई टू निकल रही है, तो चाहे आप लेफ्ट पे लगाओ या राइट पे लगाओ, वैल्यू आपको उस सेक्शन पे जो आनी है वही आएगी। लॉजिक क्लियर, देख लिया इक्वेशन लगा के, दिखा दिया, मेंटली स्ट्रेस हो गए, अब नहीं हो गए कि लेफ्ट से लगा देंगे तो ऐसा, राइट से लगा देंगे थोड़ा चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, तो नहीं होगा, ठीक है, जो वैल्यू लेफ्ट में आएगी, लेफ्ट से लगाने के बाद आएगी, वही वैल्यू राइट से लगाने के बाद आएगी, क्लियर है, मतलब लेफ्ट वाले हिस्से पर इक्विलिब्रियम लगाओगे तो जो वैल्यू आएगी, राइट वाले हिस्से पे जो इक्विलिब्रियम लगाओगे तो जो वैल्यू आएगी, दोनों सेम होंगे उस सेक्शन के लिए, ठीक है, वो अभी ये तो मैंने काट के दिखा दिया, ऐसे उसको जोड़ दो एक ही हो जाएगा ना, तो एक ही जगह पे दो अलग अलग तरह का फोर्स कैसे हो सकता है, एक ही फोर्स होगा कोई, तो चाहे वो आप लेफ्ट वाले साइड से आप इक्वेशन लिखो या राइट वाले साइड से इक्वेशन लिखो, उस सेक्शन के लिए जो फोर्स आ रही है उसका वैल्यू दोनों साइड से सेम ही आएगा, क्लियर है, और ये इक्वेशन हमने आपको लिख के दिखा दिया, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, ऐसे इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ये किताबी ज्ञान है, किताबी बेसिक देसी, मतलब बेसिक देसी, सॉरी बेसिक देसी ज्ञान, ये सभी किताबों में रहता है इस तरह से, लेकिन मैं आपको दूसरा बताऊंगा, ठीक है, जो हमारे काम का एक कॉमर्शियल चीज है वो मैं आपको बताऊंगा। खैर, उससे पहले अभी थोड़ा इसका साइन कन्वेंशन पे एनालिसिस कर लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हम कैसे चेक करेंगे? तो इस शियर फोर्स के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन होता है, ठीक है, तो मैं पहले आपको स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन बताता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसको यूज कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे अप्लाई करके, ये चीज कोई नहीं बताते, सिखाएंगे अच्छे से। दूसरा, वो अप्लाई करने का दो तरीका है, फिर वो सारा कुछ भी बताएंगे, ठीक है। तो अभी से अटेंशन मैं चाहता हूं आपका कि कंप्लीटली आप लोग फोकस हो जाएं, ठीक है। चलिए, साइन कन्वेंशन, तो दो ही कंडीशन होगा साइन कन्वेंशन का, पहला पॉजिटिव वाला, दूसरा नेगेटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला कंडीशन क्या है, नेगेटिव वाला कंडीशन क्या है, इसको पहले सीधा सीधा समझिए। देखिए, ये आपका, लेट्स सपोज आपका वो सेक्शन है एक्स एक्स मान के चलो, ठीक है, सेक्शन के लेफ्ट साइड में अगर शियर फोर्स ऊपर है, ये लेफ्ट वाला हिस्सा है ना सेक्शन का, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट वाला साइड हो गया, तो सेक्शन के लेफ्ट में अगर ऊपर है तो सेक्शन के राइट में नीचे होगा, ये हमेशा मेंटेन रहेगा। शियर फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है, ध्यान रखना, पेयर में, ठीक है, कीवर्ड है, बोलना नहीं फिर से, मतलब किसी भी एक सेक्शन पे जब इक्विलिब्रियम हम देखेंगे तो सेक्शन के लेफ्ट में अगर ऊपर तो राइट में नीचे, उसी तरह से ये मान लो सेक्शन है
ये आपका एक्स एक्स एक्सन है मान लीजिए, तो लेट सपोज ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, लेफ्ट में अगर डाउनवर्ड है तो राइट में उसका अपोजिट होगा, बस अपवर्ड होगा। ये चीजें समझ में आई? अब पॉजिटिव है नेगेटिव है इसको देखने के लिए आप ये देखो, ये देखो, ये जो शियर फोर्स है ये कपल नहीं बना रहा है क्या? एक दो फोर्स है, ठीक है, भले ही वो छोटा सा सेक्शन है, dx डिस्टेंस हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, भले ही वो dx डिस्टेंस है, एलिमेंटल डिस्टेंस है, छोटा डिस्टेंस है, कोई बात नहीं, लेकिन एक कपल तो है, एक ऊपर है तो दूसरा फोर्स नीचे है, पैरेलल फोर्सेस है, एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो कपल बना रही है। क्या बना रही है? कपल बना रही है। अब कपल के कारण रोटेशन आती है सेक्शन के ऊपर, क्या आती है? रोटेशन आती है। तो यहां पर भी जो कपल है इनके कारण रोटेशन आएगा। तो पहला वाला में देखो रोटेशन कैसा हो रहा है इस सेक्शन का, मतलब इस कपल के कारण किस तरह का रोटेशन देखने को मिल रहा है, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, टिक 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 टिक। तो ये है आपका पॉजिटिव शियर फोर्स। अगर इस तरह का केस बन रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव शियर फोर्स। दूसरा यहां पे देखो सेकंड वाले केस में रोटेशन कैसा है, घड़ी के उल्टा दिशा में, एंटी क्लॉक। तो ये होगी आपका नेगेटिव शियर फोर्स। ये पहचान है पॉजिटिव या नेगेटिव शियर फोर्स का, कैसे यूज करते हैं, क्या है सब अभी समझाऊंगा, घबराने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर लिख लो बस पहले थ्योरी, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, अगर देता है शियर फोर्स का कॉम्बिनेशन तो पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉक देता है तो नेगेटिव, एंटी क्लॉक रोटेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक, अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो यही साइन कन्वेंशन पूछ लेंगे, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है तो शियर फोर्स का नेचर क्या है, यही पूछ लेंगे सीधा सीधा, ठीक है। तो ये इतना समझ के रखिए, तो ये आप समझ लिए, ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करना है, यूज कैसे करना है वो मैं आपको अभी सिखाता हूँ। देखो तो ये अच्छा, ये चीज अब देख लो यहीं पर, यहां से अगर मैं पॉजिटिव पे अगर बात करूं तो ये बात सुनना, ये लाइन सुनना, ये लाइन इसी तरह से बोलते चलना, हमारे साथ दोहराते चलो, सोचो कि कुछ नेशनल एंथम टाइप का है सोम का, शियर फोर्स में सेक्शन के लेफ्ट में शियर फोर्स ऊपर पॉजिटिव, सेक्शन के लेफ्ट में शियर फोर्स ऊपर पॉजिटिव, सेक्शन के राइट में शियर फोर्स नीचे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का यही कंडीशन बन रहा है। देखो सेक्शन के लेफ्ट में अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, या सेक्शन के राइट में, या राइट में अगर डाउनवर्ड है तो पॉजिटिव, लेफ्ट में ऊपर तो पॉजिटिव, राइट में डाउनवर्ड तो पॉजिटिव। नेगेटिव किस केस में हो रहा है, लेफ्ट में सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड तो नेगेटिव, सेक्शन के राइट में अपवर्ड तो पॉजिटिव, ठीक है। ये चार सेंटेंस समझ में आया, अब इसमें से किसी भी एक सेंटेंस को अपना फेवरेट बना लो, कोई भी एक सेंटेंस याद कर लो, सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड तो पॉजिटिव याद कर लो, या सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड तो पॉजिटिव याद कर लो, कुछ भी एक याद कर लो, ठीक है, या फिर यही एकदम ध्यान रखो, समझ में आया, यही यूज होगा शियर फोर्स का साइन कन्वेंशन को चेक करने में, और कैसे यूज होगा मैं अभी आपको समझाता हूं। देखो साइन चेक करने का बेसिकली दो तरीका है, मैं दोनों दो तरीका आपको मैं अलग अलग तरीका सिखाऊंगा, एक तरीका वो होगा जो मेरे डेफिनेशन से रिलेटेड होगा, ठीक है, जो कि एकदम सीधा सीधा तरीका है, एक तरीका यहां पर जो डायग्राम देख रहे हो, यहां पर डायग्राम देख रहे हो तो आपको इस तरह का कुछ पेयर दिख रहा है, ऐसा ऐसा कुछ दिखने लगा है, तो आप ये देख के फटाक से बोल दोगे रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉक, तो शियर फोर्स हो गया नेगेटिव, तो आपका वैल्यू वहीं पे कॉन्सेप्ट आपका हो गया गलत, चकनाचूर, चीजें असल में ऐसी है नहीं, जस्ट इसके उल्टा है। वो क्या है, वो चीज, वो परसेप्शन समझिए, ठीक है। अब समझिए बात, वो है क्या, मतलब क्या क्या क्या, मतलब कौन क्या है, ये जो यहाँ पर नीचे डाउनवर्ड एरो दिखाया हूं, हमको बस ये पता लगाना है कि ये किस फेस पे है, सेक्शन के किधर है, और यहाँ पे जो अपवर्ड लगाया हूं ये हमको पता लगाना है कि ये सेक्शन के किधर है। तो ये पता लगाने का तरीका, ये देखने का तरीका मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं, जो कि पूरा सोम में यूज होगा। पहला तरीका जो अभी समझाऊंगा उसको देख के रखना, मतलब अच्छे से विजुअलाइज करिए,
अब ध्यान से सुनते चलो बात बात को बाबू लोग। देखो जो बीम काटा था उसका एक हिस्सा ही दिखा रहा हूं, कौन सा? लेफ्ट वाला हिस्सा दिखा रहा हूं। अब देखने का तरीका हमारा क्या होता है, बेसिकली आप लेफ्ट साइड से इधर से चीजों को देख रहे हैं, एक तो ये कंडीशन है। या फिर मान लो जो राइट वाला हिस्सा है, ये वाला आपका राइट वाला हिस्सा है इस तरह से, और एक राइट वाला हिस्सा था, ठीक है, ये सपोर्ट ए था, ठीक है, यहां पे रिएक्शन आपको मिल रही थी आर ए जिसका वैल्यू था पी बाई टू, ठीक है, और यहां पे सपोर्ट बी था और यहां पे आपको रिएक्शन मिल रही थी आर बी जिसका मैग्नीट्यूड था अगेन पी बाई टू, क्लियर है। यहां पे कहीं पे एक पॉइंट लोड पी बी था। तब जब हम शियर फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं ना, किसी भी एक्स सेक्शन को मेंबर में कट करते हैं, लिखने का प्रोसीड्यूर यही होता है, एक एक्स सेक्शन को कट किया और वहां पर हम शियर फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, ये प्रोसीड्यूर अभी लिखेंगे इक्वेशन बीम वगैरह का, ठीक है, इस क्लास में या अगले क्लास में, तब आपको चीजें ये सब चीज रिकॉल होंगी, याद आएंगे, लेकिन बात को सुन के रखिए। हम एक्स सेक्शन को कट करते हैं, अब कट करने के बाद ये हमारे पास आजादी है एज ए इंजीनियर, मैं जैसा चाहूं इक्वेशन लिख सकता हूं, मतलब लेफ्ट साइड से इक्वेशन लिख सकता हूं या राइट साइड से इक्वेशन लिख सकता हूं, मतलब ए से, मैं लेफ्ट साइड से लिखने का मतलब क्या है, मैं ए के तरफ से देख के लिख रहा हूं इक्वेशन एक्स सेक्शन पे, कहने का मतलब है मैं ये ऐसा एज्यूम कर लूंगा कि लेट अस कंसीडर ए एक्स सेक्शन एट सम डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सपोर्ट ए, ऐसा बोल दिया, और मैं लिख रहा हूं उस एक्स सेक्शन पे राइट मतलब लेफ्ट साइड से ए की तरफ से देखते हुए लिख रहा हूं। या फिर मैं ऐसा भी अज्यूम कर सकता हूं कि लेट अस कंसीडर एक्स सेक्शन एट सम डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सपोर्ट बी, और मैं लिखूंगा, मैं देखूंगा इधर से बी के तरफ से, मतलब राइट टू लेफ्ट देख रहा हूं या लेफ्ट टू राइट देखूंगा, दो ही डायरेक्शन है देखने का, या फिर आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे या फिर आप राइट टू लेफ्ट देखेंगे, यही दो डायरेक्शन है। तो दोनों डायरेक्शन में क्या क्या चीजें हैं मैं आपको अब समझाता हूं। ये दो डायरेक्शन समझ में आए, लेफ्ट टू राइट देखना और राइट टू लेफ्ट देखना, ठीक है, दोनों में से किसी को भी आप फॉलो करके इक्वेशन लिख सकते हो, किसी भी दिशा से आप देख के इक्वेशन को लिख सकते हो, बस सही सही देखना आना चाहिए। अब वो सही सही देखना क्या है, देखिए जो मैं बार बार बोलता हूं एक्स सेक्शन कट करूं, लेट सपोज कोई एक दिशा मान लेते हैं आप किधर से, मैं पहले मेरा आदत है लेफ्ट टू राइट लिखने का, ठीक है, लेफ्ट टू राइट मतलब ए से आगे लिखूंगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट लिखने का, तो मैं इधर से देख रहा हूं, मेरा आंख इधर है, सोचो मैं इधर से देख रहा हूं, मैंने एक एक्स एक्स सेक्शन काटा है, तो अब जिस साइड से देख रहे हो, ठीक है, तो मान लो लेफ्ट वाले हिस्से पे देख रहे हो या राइट वाले हिस्से पे, जो भी, तो यहाँ पे हम लेफ्ट वाले हिस्से पे देख रहे हैं, ये लेफ्ट वाला पोर्शन है ना, ये लेफ्ट वाला पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है, लेफ्ट वाला पोर्शन। तो देखिए ये जो कट किया है ना, ये जो फेस है, ये जो कट किया हुआ ये जो फेस है, इसी फेस को एज ए एक्स एक्स सेक्शन एज्यूम करना है, इसी को एज ए एक्स एक्स सेक्शन एज्यूम करना है, बात समझ में आई, इसी को एज ए एक्स एक्स सेक्शन एज्यूम करना, पहली पॉइंट। अगर मैं इस तरफ से देख रहा हूं, किधर से, लेफ्ट से देख रहा हूं, ठीक है, तो जो मेरा कटा हुआ छोर है वहीं पर मैं एक्स एक्स सेक्शन एज्यूम कर लू। उसी तरह से अगर मान लो मैं राइट से देखूंगा तो जो मेरा कटा हुआ छोर है इसी को मैं एक्स एक्स सेक्शन एज्यूम कर लूंगा। तो एक्स एक्स सेक्शन किसको कंसिडर करना है, कब करना है, ये समझ में आया, ये डिपेंड करता है कि आप इक्वेशन किस साइड से लिख रहे हैं। अगर लेफ्ट से लिख रहे हैं तो एक्स एक्स सेक्शन को हम अपने अपने पास ही रखेंगे चीजों को, है ना, मतलब लेफ्ट से लिख रहे हैं तो लेफ्ट वाले हिस्से के एंडिंग पे ही एक्स एक्स सेक्शन को कंसिडर कर लिए, समझ में आ रही बात, ठीक है। अगर राइट साइड से लिख रहे हो तो राइट राइट वाले पार्ट के एंडिंग पर ही एक्स एक्स सेक्शन को कंसिडर कर लिए, जैसे कि यहां पे मैंने करके दिखाया, ओके। अब देखो, अब सुनो मेरा बात, यहां पे थोड़ा गंभीर मुद्दा चलेगा। अब मुझे यहां पे ये बता दो आप लोग, लेट्स सपोज यही अगर मेरा एक्स एक्स सेक्शन, इसी को मैंने इसी फेस को एज एक्स एक्स सेक्शन कंसीडर कर लिया, तो इसका राइट किया लेफ्ट किया,
तो इसका राइट ये वाला नहीं हो गया और इसका लेफ्ट ये वाला नहीं हो गया, बताओ हो गया। सिमिलरली मुझे ये बता दो, अगर इसी को मैंने एक्स एक्स सेक्शन कंसिडर कर लिया, मतलब अगर ये लेफ्ट राइट वाले हिस्से पे लिख रहे हो, इसी पे राइट वाले हिस्से पे, ठीक है, इस तरफ से आप देख के इक्वेशन लिखना चाहते हो, और तो ये वाला आप एक्स एक्स सेक्शन कंसिडर कर लिए, तो इसका लेफ्ट किया राइट किया, तो क्या इसका राइट ये वाला नहीं हो गया और इसका लेफ्ट ये नहीं हो गया, हो गया, ठीक है। अभी जो डायग्राम आपको दिखा था ये देखो, यहां पर कैसे है, नीचे डाउनवर्ड, इधर कैसा है अपवर्ड, तो बस इसी को यूज करते हैं। यहां पे मैंने लगा दिया इस तरफ नीचे, इधर मैंने लगा दिया अपवर्ड, ठीक है। अब दो जगह में दिखाता हूं, ये पहला पॉइंट, ठीक है, ये दूसरी जगह पे। पहला वाला अगर फर्स्ट साइड से लिख रहे हो इक्वेशन को, तो ये देखो ये आपका एक्स एक्स सेक्शन था, ठीक है, और राइट में नीचे लेफ्ट में अपवार्ड, तो रोटेशन हो गया क्लॉकवाइज, शियर फोर्स का नेचर हो गया पॉजिटिव। लेट्स सपोज आप इधर से लिखे थे सही से कंसीडर करके सही तरीके से, तो यहां पे एक्स एक्स सेक्शन यहां है राइट में, ये राइट वाला हिस्सा हो गया, सर एक मिनट इस थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ये आपका राइट वाला हिस्सा हो गया, ये लेफ्ट वाला हिस्सा हो गया, लेफ्ट में अपवार्ड और राइट में डाउनवर्ड, तो रोटेशन अगेन मिल रहा है क्लॉकवाइज, तो शियर फोर्स पॉजिटिव है, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन अगर दे तो पॉजिटिव शियर फोर्स। समझ में आई चीजें, हम ऐसे देखते हैं साइन कन्वेंशन। तो ये पहला तरीका है देखने का, ठीक है, मतलब जो भी सेक्शन कट कर रहे हो, अब जिधर से देख रहे हो, जो भी सेक्शन को कट किया और जिधर से देख रहा है, मान लो लेफ्ट हिस्से से देख रहा है, तो लेफ्ट हिस्से का जो एंडिंग पार्ट होगा वही तुम्हारा एक्स एक्स सेक्शन है, समझ गए, तो लेफ्ट के उस एक्स एक्स सेक्शन के उधर जो भी है वो राइट साइड है। अगर राइट वाले हिस्से से देख रहे हो, तो राइट वाले पोर्शन का जो एंडिंग है वही आपका एक्स एक्स सेक्शन, और एक्स एक्स सेक्शन के इधर वाला लेफ्ट वाला हिस्सा है। मैंने यूज करके अप्लाई करके दिखा दिया साइन कन्वेंशन कैसे पॉजिटिव आई, ठीक है, इस तरह से हम इसमें चेक करते हैं। अब दूसरा तरीका मैं सिखाऊंगा, ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं बिट बिट तोड़ के दिखाया हूं, ऐसा कोई दिखाता भी नहीं है, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया फिर भी तो एक बार रिपीट करो वीडियो को, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो सेक्शन देखने का तरीका मैंने आपको समझाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट के केस में भी यही सेम साइन कन्वेंशन हम मतलब इसी तरह से सेक्शन को देखेंगे, सेक्शन देखने का तरीका चेंज नहीं होगा आपका, ये फिक्स हो गया, समझ गए। अगर लेफ्ट वाला पोर्शन से चीजों पर एनालिसिस कर रहे हैं, तो लेफ्ट वाले एंड का जो मतलब जो भी सेक्शन एज्यूम कर रहे हो माइंड में, ये सब तो माइंड में चलेगा, या ऐसे तो बार बार हम कट करके दिखाएंगे नहीं, सब कुछ माइंड में फीड होना चाहिए, इसलिए यही हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। तो आप अगर लेफ्ट साइड से देख रहे हो, तो जो सेक्शन आपने कंसिडर किया है और लेफ्ट साइड से आपका आप देख रहे हो, तो आप ये समझ जाओ कि वो सेक्शन के उधर राइट वाली चीजें हैं, क्या है, सेक्शन के उस तरफ राइट वाली चीजें हैं, ठीक है। और ये तो फेस के बारे में मैंने बता ही दिया था, ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये फेस कौन सा फेस होगा, अगर आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो ये जो फेस है ये वाला, ये प्रॉपर ये फेस, ये कौन सा फेस होगा, ये लेफ्ट फेस होगा, तो ऐसे भी चेक कर लो कि लेफ्ट फेस पे देखो, अगर राइट साइड पे सेक्शन के राइट पे डाउनवर्ड है, तो लेफ्ट फेस पे जो लेफ्ट फेस है जो हमको दिख नहीं रहा है, लेफ्ट फेस हमको दिख रहा है क्या, हमको दिख नहीं रहा है, जैसे ये मान लो ये कोई किसी कोई बीम है, समझना विजुअलाइज करना यहाँ पे जरूरी है, ये कोई मेंबर है, आपने इसको यहां से कट कर दिया, दो हिस्सों को अलग कर दिया है, दो हिस्सों को अलग कर दिया, इधर से देख रहे हो, तो ये वाला जो हिस्सा है इसका जो फेस है वो दिख रहा है कि आपको, वो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आपको दिख क्या रहा है, सामने वाला राइट फेस,
लेकिन लेफ्ट फेस नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हम लेफ्ट साइड से इक्वेशन लिखेंगे, जो वैल्यूस आएगा फोर्सेस का वो लेफ्ट फेस के लिए है, लेकिन दिख क्या रहा है हमको? राइट फेस। ठीक है, हमको दिख रहा है राइट फेस। सो जैसे हम लेफ्ट साइड से लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे जब फोर्स बैलेंस लिखे थे तो हमको राइट राइट फेस पे हमको बेसिकली शियर फोर्स का वैल्यू हमको दिखा था, जो कि है एस एस एक्स। ये वाला जो है ये राइट फेस वाला है, ये हमको दिखा था, तो वो हमने लिखा। तो राइट में अगर डाउनवर्ड है तो इक्विलिब्रियम के लिए जस्ट लेफ्ट में अपवर्ड होना चाहिए, तो कपल बन जाएगा, तो रोटेशन क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव। विजुअलाइजेशन क्लियर है? ठीक है, क्यों? आप इमेजिन करो ना, अपना सोचो, कोई कलम वगैरह यहां से कट कर दो, कट करने के बाद दोनों हिस्सों को अलग कर दीजिए, अलग करने के बाद आप देखिए आपको दिख कौन सा फेस रहा है। इधर से अगर लेफ्ट से देखोगे तो दिखेगा राइट फेस, और अगर राइट एंड से देखोगे, इधर से देखोगे, तो ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है, ठीक है, अगर राइट एंड से देखेंगे तो ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है उसका फेस दिखेगा, राइट वाले हिस्से का फेस दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? जिस एंड से हम देखेंगे वो एंड का फेस हमको नहीं दिखता है, हमको बेसिकली क्या दिखता है? सामने वाले एंड का फेस दिखता है। यही बात है ना, है ना? तो सामने वाले एंड पे जिस नेचर का फोर्स होगा उसके जस्ट अपोजिट फेस पे फोर्स होगा, तो वो इमेजिन करके कपल हमने बना दिया, तो यहां पे बन गई क्लॉकवाइज कपल दोनों केस में। समझ रहे हो बात को? ठीक है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था, ये आपका जैसे यहाँ पे मैंने उस समय फेस फेस को बताने के लिए मैंने बोला था, जब आपने दो पोर्शन को सेपरेट किया तो ये राइट वाला हिस्सा हो गया, तो ये राइट फेस है, राइट फेस, और ये लेफ्ट वाला हिस्सा हो गया तो ये लेफ्ट फेस है। ऐसा भी मैंने आपको ये फेस भी बताया था। ठीक है, तो किसी भी तरह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, समझ गए चीजों को? किसी भी तरह से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे फिर से एक बार थोड़ा सा और कंफ्यूजन आ सकता है कि सर यहाँ पे तो अपवार्ड एरो है, तो ये राइट फेस पे अपवार्ड है क्या? ये राइट फेस पे अपवार्ड है क्या? नहीं है, ये राइट फेस पे अपवार्ड थोड़ी ना, ये तो सेक्शन को हमने एक्स एक्स सेक्शन को, अगर ये वाला एरो देख रहे हो तो आप देख आप इक्वेशन को किधर से लिख रहे हो? लेफ्ट टू राइट आपका डायरेक्शन है, सॉरी राइट टू लेफ्ट आपका डायरेक्शन है ना? अगर इधर से देखोगे मतलब राइट टू लेफ्ट आपका डायरेक्शन है देखने का, तो जब राइट टू लेफ्ट देखने का डायरेक्शन है और ये एक्स एक्स सेक्शन जो है, मतलब वो राइट फेस ही आपका एक्स एक्स सेक्शन है, वो राइट फेस ही आपका एक्स एक्स सेक्शन है, और ये वाला जो अपवार्ड एरो वाला जो शियर फोर्स आपको यहाँ पे दिख रहा है वो एक्स एक्स सेक्शन के आगे है, मतलब और आगे, मतलब एक्स एक्स सेक्शन के लेफ्ट साइड में है। समझ में आ रहा है? तो एक्स एक्स सेक्शन के ये लेफ्ट साइड में हो गया, तो राइट वाले फेस पे कैसा है? नीचे क्लॉकवाइज पॉजिटिव। समझ रहे हो देखने का तरीका? ठीक है, अब उम्मीद करता हूं अब इन सब चीजों में कंफ्यूजन नहीं होगा, ऐसे ही देखते हैं, यही हमारे बैकग्राउंड में चलती है, या फिर किसी भी अच्छे इंजीनियर के बैकग्राउंड में साइन कन्वेंशन को लेके ये दिमाग में चलती है, ये देखने का तरीका होता है। क्लियर है? ओके, कैसे एक्स एक्स सेक्शन को देखना है, तो ये एसएफडी शियर फोर्स के लिए, शियर फोर्स के लिए जैसा मैंने बताया एक्स एक्स सेक्शन देखने का तरीका, बेंडिंग मोमेंट के केस में भी सेम तरीका मैं बताऊंगा। ओके, तो ये एक तरीका है जिससे आप पॉजिटिव या नेगेटिव पता लगा सकते हैं, और ये बेसिक तरीका है, कभी भी कंफ्यूजन आ जाए, कभी भी कुछ, तो ये अप्रोच को फॉलो करना, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको रैपिड या शॉर्टकट मेथड एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब यहां से जो चीजें हैं वो कमर्शियलाइज्ड हो जाएंगी, मतलब वो अपने कैलकुलेशन वाले चीजें हो जाएंगे, ये सब चीजें तो मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए, सेकंड डेफिनेशन ऑफ शियर फोर्स, सेकंड डेफिनेशन ऑफ शियर फोर्स पहले लिखिए, तब आगे की चीजें समझ में आएंगी। शियर फोर्स एट एनी सेक्शन इज द अल्जेब्रिक शियर फोर्स एट एनी सेक्शन, किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स इज द अल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द ट्रांसवर्स फोर्स आइदर टू लेफ्ट ऑफ सेक्शन और राइट ऑफ सेक्शन। ये लेफ्ट ऑफ सेक्शन और राइट ऑफ सेक्शन लिखने का क्या मतलब है? वही जो मैंने आपको बताया, या फिर लेफ्ट साइड से लिखो या राइट साइड से अल्जेब्रिक सम करके लिखो, उस सेक्शन पे वैल्यू सेम ही आनी है।
यही मतलब है, आइदर टू लेफ्ट ऑफ सेक्शन या फिर लेफ्ट साइड से लिखिए या फिर राइट साइड से अलजेब्रिक सम करके उस सेक्शन पे पहुंचिए। किनका 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 अलजेब्रिक सम करना है? ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस। किसका करना है? सभी ट्रांसवर्स फोर्सेस का करना है। अगर आपको शियर फोर्स की वैल्यू लिखनी है तो सभी ट्रांसवर्स फोर्सेस के अलजेब्रिक सम करने हैं, आइदर टू लेफ्ट ऑफ सेक्शन या राइट ऑफ सेक्शन। ये दूसरा, अभी जो मैंने सारा सिस्टम समझाया था इससे पहले, वो किताबी ज्ञान था, बेसिक बेसिक ज्ञान जो आपके मेन मेन किताबों में रहते हैं वो ज्ञान। अब यहाँ से ये कमर्शियल नॉलेज है, एग्जामिनेशन नॉलेज है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा क्या है, सेम मेंबर के ऊपर हम निकाल के दिखाते हैं आपको, तो इससे थोड़ा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, चीजें आपको समझ में आएगी। सबसे पहले हमने सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट कर ही लिया था, तो वो मैं कैलकुलेट अब करूंगा नहीं। ये आपका ए सपोर्ट ए, ये आपका सपोर्ट बी, ठीक है? तो ये रिएक्शन आर ए पी वाई टू आ चुका था यहाँ पे, और यहाँ पर भी रिएक्शन की वैल्यू थी आपकी पी वाई टू। ये हमने पहले ही कैलकुलेट करके दिखा दिया था, अब कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं है। लेट सपोज ये आपका यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा था पी। अब ये जो पॉइंट लोड जहाँ पे लग रहा है ना पी, उसका भी एक हम कंसिडर कर लेते हैं कि लेट सपोज ये सी पॉइंट पे लग रहा है। ये कहाँ पे लग रहा है? सी पॉइंट पे, ठीक है? ऐसा हमने कंसिडर कर लिया। अब देखो, अब जो हमको शियर फोर्स लिखना है, शियर यहाँ पे दो दो हिस्सा आप कंसिडर कर लीजिए। ये मेंबर ऐसे बीम तो पूरे में एक ही है, लेकिन यहां से यहां तक का एक हिस्सा होगा, मतलब ए से लेके सी तक का एक हिस्सा हो गया लोडिंग तक का, और लोडिंग से यहां से लेके यहां तक का एक अलग पोर्शन हो गया, दो अलग अलग पोर्शन आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? अब जो लिखने का तरीका है शियर फोर्स, हम क्या करेंगे देखिए, मैं लिख के दिखाता हूं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहां पर एक सेक्शन कंसिडर करूंगा। लेट सपोज मैं लिख रहा हूं किधर से, लेफ्ट, ये लेफ्ट वाला साइड है, ये राइट वाला साइड है, ये लेफ्ट सपोर्ट है, वो राइट सपोर्ट है, तो मैं लेफ्ट से राइट की ओर इक्वेशन को लिखूंगा। मेरा जो राइटिंग पैटर्न होगा वो लेफ्ट टू राइट में चीजों को देखते हुए इक्वेशन को लिखूंगा। तो मैं अब क्या डिफाइन करूंगा, देखना ये सब तरीका समझते रहना, यही तरीका आपको यूज करना है। लेट सपोज कंसिडर ए एक्स एक्स सेक्शन एट सम डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सपोर्ट ए। एक एक्स एक्स सेक्शन कंसिडर किया एट सम डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सपोर्ट ए इन ए सी स्पैन, ठीक है? अब इस सेक्शन पे आपको शियर फोर्स का वैल्यू लिखना है, ओके? तो ध्यान से सुनना हमारी बात, नहीं तो गुल हो जाएगा माइंड से सब कुछ, ठीक है? और यहां पे गुल हुआ तो सब जगह के लिए गुम हो जाएगा, मतलब दिखेगा ही नहीं सिविल इंजीनियरिंग में तुम, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, बेसिक बता रहा हूं, बहुत ही छोटा सा चीज, बेसिक चीजें, ये चीजें लोगों को पकड़ में नहीं आती है। सुनना, मैंने क्या किया, मेरे को लिखना है इस एक्स एक्स सेक्शन पे शियर फोर्स, ठीक है? मैंने एक्स सेक्शन को डिफाइन कर दिया, मैंने बोला लेट अस कंसिडर ए एक्स सेक्शन इन ए सी स्पैन एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए। एक्स का वेरिएशन कितना, कहां से कहां तक हो सकता है, ए सी स्पैन मैंने बोल दिया है। मैंने क्या बोल दिया है, ए सी स्पैन बोल दिया है। तो जो एक्स का वेरिएशन है, एक्स जीरो टू, इसका वेरिएशन हो सकता है जीरो टू एल बाई टू। क्यों? ये जो पॉइंट लोड पी मैंने लगा के रखा है, ये कहां पे, एकदम सेंटर ऑफ बीम पे लगा रखा है, पूरे बीम का स्पैन है एल, तो पॉइंट लोड पी जो लगा के रखा है एल बाई टू पे, तो एक्स का जो वेरिएशन है वो जीरो टू एल बाई टू होगा, मतलब जीरो टू सी है, मतलब जीरो टू एल बाई टू। इससे ज्यादा वेरिएशन हो सकता है क्या एक्स का? क्यों? मैंने पहले से एक चीज और भी बोल रखा है इसमें, ए सी स्पैन बोल रखा है, इसलिए। तो इस तरह से एक्स का डिफिनेशन किया जाता है, डिफाइन किया जाता है एक्स को। ये हम आगे जब भी इक्वेशन लिखेंगे, मैं जब आपको सॉल्व करवाऊंगा वहां पे हर एक में आपको लिखूंगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। खैर अभी मूल भाव समझिए, मूल भाव क्या है, आपको एक्स एक्स सेक्शन पे शियर फोर्स की वैल्यू लिखनी है, ठीक है? अब लिखने का दो तरीका है, या फिर आप लेफ्ट से राइट की तरफ लिखो या राइट से लेफ्ट की तरफ लिखो, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। मैं दोनों तरीका आपको समझाऊंगा, ठीक है? आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा, फीलिंग आ जाएगा, प्लस दोनों में साइन कन्वेंशन भी अप्लाई करके दिखाऊंगा, देखना। पहला हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट सपोज कि मैं लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूं, लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूं। ये सब चीज आपके लिए मैं लिख के दे रहा हूं ताकि आपके थ्योरी कॉपी में रहे, है ना? ऐसे ये चीजें समझने वाली है, वो बैकग्राउंड माइंड में होना चाहिए।
ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये सब चीज मैं लिख रहा हूं। लेट्स सपोज कि लेफ्ट टू राइट हम इक्वेशन को लिखेंगे पहला। तो डेफिनेशन क्या मैंने बोला, किसी भी सेक्शन पे शियर फोर्स का वैल्यू अगर देखना है किसी भी सेक्शन पे, तो उस सेक्शन के लेफ्ट में या राइट में, राइट से टोटल क्या करिए, ट्रांसवर्स फोर्सेस के अलजेब्रिक सम को हमको देखना है, ट्रांसवर्स फोर्सेस का अलजेब्रिक सम को हमको देखना है। तो इस अगर तुम लेफ्ट से लिख रहे हो तो ये बताओ इस एक्स एक्स सेक्शन पे कौन सा ट्रांसवर्स फोर्स आपको दिख रहा है। अगर मैं ऐसा दिखाऊं, ये एक्स एक्स सेक्शन कट करूं ऐसा, ठीक है, ये एक्स एक्स सेक्शन इसी को कंसिडर कर लिया और ये हो गया आपका आर ए। हम इक्वेशन लिख रहे हैं लेफ्ट टू राइट, है ना, हम इक्वेशन किधर से लिख रहे हैं, लेफ्ट से राइट लिख रहे हैं। तो ये एक्स एक्स सेक्शन पे कौन सा ट्रांसवर्स फोर्स हमको दिख रहा है, एक ही ट्रांसवर्स फोर्स दिख रहा है और वो क्या है, वो है आर ए, और वो भी आर ए जो हमको दिख रहा है वो आर ए कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है अपवर्ड, यही दिख रहा है ना आर ए, इसी को बस आर ए यहां पे लिख दो, आर ए दिख रहा है अपवर्ड, आर ए यही दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शियर फोर्स एट एक्स सेक्शन इज आर ए। सिंपल सी बात है, और कुछ है ट्रांसवर्स फोर्स नहीं, तो केवल आ रहे हैं, तो शियर फोर्स हो गया आ रहे। अब ये शियर फोर्स जो आ रहे आपने पता लगाया, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये अपने को पता लगानी है। ये कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए अब इस मेथड में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यही है, आप यही समझना कि ये जो आर ए आपने लिखा है ये किस फेस पे लिखा है, ये बताओ, ये लेफ्ट वाला हिस्सा था, ये लेफ्ट वाला हिस्सा है ना, लेफ्ट वाला हिस्सा है, तो आपने ये जो आर ए यहां पे देखा कि आर ए यहां पे ऊपर है लेफ्ट फेस पे, कौन सा फेस है, लेफ्ट फेस पे, लेफ्ट फेस पे जो फोर्स है वो ऊपर की दिशा में, आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक है, जो लेफ्ट फेस है मेंबर का वहां पे जो शियर फोर्स है वो ऊपर है, ठीक है, ये चीज है, लेफ्ट फेस पे शियर फोर्स ऊपर, तो अगर लेफ्ट फेस पे शियर फोर्स ऊपर तो फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, देखो सेक्स लेफ्ट फेस पे अगर शियर फोर्स ऊपर राइट फेस पे डाउनवर्ड क्लॉकवाइज रोटेशन, तो शियर फोर्स का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, आर ए इक्वल टू कितना, आर ए का वैल्यू पी बाई टू, तो शियर फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव नेचर है प्लस पी बाई टू, ऐसे लिखते हैं शियर फोर्स। साइन कन्वेंशन यहाँ पे अप्लाई करना समझ में आया, इस वाले मेथड में जो कि हम हमेशा यूज करेंगे। अब ये ध्यान रखना कि जैसे हमने बोला अलजेब्रिक सम आपको देखना है, तो एक्स सेक्शन कट किया और वहां पे शियर फोर्स का अलजेब्रिक सम देख रहे हो, अभी मैं लेफ्ट साइड राइट साइड से भी लिख के दिखाऊंगा, तो यहाँ नीचे ऊपर दोनों फोर्सेस हैं, तब आपको और क्लियर कट आइडिया होगा, लेकिन अभी फिलहाल देखो यहाँ तो केवल आर ए ही उस फेस पे ऊपर की ओर दिख रहा है ना, ये लेफ्ट वाला पार्ट है, तो उसका जो उसका जो फेस होगा, उसका जो छोर है, उसको हम लेफ्ट फेस बोलते हैं, उसको हम लेफ्ट फेस बोल रहे हैं, तो आर ए हमको लेफ्ट फेस पे ऊपर दिख रहा है, समझ में आ रहा है, आर ए हमको क्या है, लेफ्ट फेस पे ऊपर दिख रहा है, तो आर ए अगर लेफ्ट फेस पे ऊपर है तो राइट पे डाउनवर्ड होगा, तो रोटेशन हो जाएगा क्लॉकवाइज, इस तरह से देखा जाता है, साइन कन्वेंशन वगैरह सब कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ये लेफ्ट टू राइट हमने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया। अब दूसरा राइट टू लेफ्ट लिख के दिखाता हूं, मतलब मैं इधर से लिखता हूं इक्वेशन को, बी से बी के तरफ से लिख रहा हूं इस एक्स एक्स सेक्शन पे, तो देखना मैं अब लाइन डायग्राम बनाता हूं सीधा, यहां पे आपका आर बी है सपोर्ट रिएक्शन, इधर कहीं पे पी फोर्स है, ठीक है, अब ये आपका एक्स एक्स सेक्शन, अब यहीं पर शियर फोर्स का वैल्यू कितना है यही आपको बतानी है, तो आप बी साइड से लिख रहे हो, ठीक है, तो ये बताओ ये जो तो मतलब ये राइट वाला हिस्सा है ना, ये राइट वाला हिस्सा, ये राइट वाला हिस्सा था, ये लेफ्ट वाला हिस्सा है, तो ये जो फेस है एक्स एक्स सेक्शन वाला, अब यहाँ पे इस फेस को मैं क्या कंसिडर करूंगा, ये कौन सा फेस है, एकदम मैंने फेस वाला सिस्टम पहले इसलिए बता के रखा सब कुछ, ये राइट फेस,
ये राइट फेस हो गया, राइट साइड से देख रहे हैं तो जो भी फेस है वो मेरा राइट फेस है, लेफ्ट साइड से देख रहे हैं जो भी मेरा फेस है वो लेफ्ट फेस है। समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज, ये दो बात ध्यान रहेगा आपको। ओके, अगर लेफ्ट साइड से इक्वेशन को लिख रहे हो तो जो फेस है वो आपका लेफ्ट फेस है। लेफ्ट फेस होने का क्या मतलब है? सेक्शन के जस्ट लेफ्ट में वो चीज है जहां पर आप इक्वेशन को लिख रहे हैं। अगर राइट साइड से लिख रहे हो तो जो भी सेक्शन पे जो भी आप लिखोगे अभी शियर फोर्स का, वो जो फेस है आपको वो मान के चलना है कि वो फेस मेरा राइट फेस है। राइट फेस होने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि सेक्शन कहीं आगे होगा, उसके जस्ट राइट में आपका फेस है जहां पर आप इक्वेशन को लिख रहे हैं। क्लियर है? दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये अगर विजुअलाइज नहीं हुआ तो आगे कभी लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? जस्ट लेफ्ट, जस्ट राइट, जस्ट लेफ्ट, जस्ट राइट, उसमें फिर दिक्कत आने लगेगी। ठीक है, विजुअलाइज करने में। तो ये विजुअलाइज कर लो, अगर लेफ्ट साइड से लिख रहे हो और जो छोर है ना, वो आपका लेफ्ट फेस है, मतलब सेक्शन के जस्ट लेफ्ट में है। अगर राइट साइड से लिख रहे हैं तो जो छोर है, ठीक है, वो आपका राइट फेस है, मतलब जो सेक्शन है वो आपका राइट फेस हो गया, मतलब सॉरी, जो छोर है वो राइट फेस है, मतलब वो सेक्शन के जस्ट राइट में है। तो ये जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट क्लियर हुआ? ठीक है, कहने का सिंपल सी मतलब है कि यहीं पर अगर बताऊं, जैसे लेफ्ट टू राइट हमने लिखा तो ये जो एक्स एक्स सेक्शन है ये मेरा लेफ्ट फेस था। ठीक है, ये अगर लेफ्ट फेस है तो आप ऐसा कंसिडर करिए कि यहां पर कहीं पर जस्ट राइट फेस होगा। समझ में आया? और ये लेफ्ट फेस राइट फेस बीच में एक्स एक्स सेक्शन फिर आप एज्यूम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? जो फेस है वो अगर मेरा लेफ्ट है तो उसके आगे होगा राइट, तो जिस पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूं वो लेफ्ट फेस पे लिख रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सेक्शन के जस्ट लेफ्ट में मैं चीजों को लिख रहा हूं। राइट फेस पे लिख रहा हूं क्या? नहीं, लेफ्ट में चीजों को लिख रहा हूं अगर लेफ्ट साइड से चल रहा हूं। अगर राइट साइड से मैं चलूंगा तो जो फेस है वो मेरा राइट फेस है। वो कौन सा फेस है मेरा? वो मेरा राइट फेस है, मतलब सेक्शन कहीं पर आगे होगा यहाँ पर, मतलब सीधी बात है, ये जो फेस है ये राइट फेस है। तो इसका मतलब यही है कि आप जो रियल वाला एक्स एक्स सेक्शन है, सीधा मैं यही कहना चाहता हूँ, जो रियल वाला एक्स एक्स सेक्शन है वो इस फेस के आगे होगा और इस एक्स एक्स सेक्शन के आगे आपका लेफ्ट फेस होगा। फिर तो आप यहाँ पे बोलोगे कि ये जो सेक्शन है जो जिसपे हम इक्वेशन अभी लिख रहे हैं, जिसपे हम वैल्यू लिख रहे हैं, इट इज जस्ट राइट इस केस में। ठीक है, इट इज, अच्छा इसको चलो यार एक्स एक्स सेक्शन ऐसे तो लिखते हैं एक्स एक्स सेक्शन, लेकिन मान लो कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ए ए लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो हम बोलेंगे कि ये जो ए ए सेक्शन है ये जस्ट राइट में है। किसके? इस एक्स एक्स सेक्शन के, ये जस्ट राइट में है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से यहां पे भी अगर इसको मैं ए ए बोल दूं, ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये जो मेरा फेस है ये जस्ट लेफ्ट में है इस एक्स एक्स सेक्शन का। तो यहां पे मैं शब्द यूज कर रहा हूं एक्स एक्स सेक्शन, लेकिन रियल जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे किसी पॉइंट पे, जैसे सी पॉइंट है, ठीक है, कहने का मतलब है सी पॉइंट है। अगर मैं ये सी पॉइंट को कंसिडर करूं, ये चीज मैं क्यों समझा रहा हूं, इसलिए समझा रहा हूं, देखिए समझना इस चीज को अप्लाई कैसे करते हैं। जैसे ये पॉइंट सी है तो मुझे इस पॉइंट सी पर शियर फोर्स की वैल्यू लिखनी है। लेट्स सपोज इस पॉइंट सी पर शियर फोर्स की वैल्यू लिखनी है, तो पॉइंट सी को मैं एज ए सेक्शन कंसिडर करूंगा। पहले तो पॉइंट सी को मैं क्या कंसिडर करूंगा? एज ए सेक्शन कंसिडर करूंगा। तो पॉइंट सी को अगर मैंने सेक्शन कंसिडर कर लिया तो सेक्शन के लेफ्ट वाला हिस्सा एक अलग हो जाएगा, इधर एक पोर्शन रहेगी आपकी, ये वाला पार्ट ए सी वाला पार्ट, और इधर एक पोर्शन रहेगा आपका। अब शियर फोर्स लिखने का तरीका मैं बता रहा हूं कि दो है। आप यहां पे इसी सेक्शन पे आप लिख सकते हो फ्रॉम ए साइड, या फिर आप लिख सकते हो फ्रॉम बी साइड। ठीक है, तो अगर मैं फ्रॉम ए साइड लिखूंगा तो ये जो मेरा फेस है, ठीक है, ये जो मेरा फेस है इस फेस को मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा जस्ट लेफ्ट ऑफ सी, क्योंकि सी सी यहां पर है। तो मैं इसको बोलूंगा, अगर मैं लेफ्ट से लिख रहा हूं, इधर से लिख रहा हूं, तो ये जो फेस है, ये जो मेरा लेफ्ट वाला फेस है, इसको मैं बोलूंगा कि ये जस्ट लेफ्ट ऑफ सीसी है।
तो इसी सी को मैंने सेक्शन कंसिडर कर रखा है। अगर मैं इधर से लिखता बी के तरफ से, तो ये जो मेरा फेस है, ठीक है, इस फेस को मैं बोलूंगा ये जस्ट राइट ऑफ सी सी है, ये जस्ट लेफ्ट ऑफ सी सी हो गया और ये जस्ट राइट हो गया, जे आर जे एल ऑफ सी सी। समझ में आया, ये जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट वाला, ठीक है, बेसिक थी बता दिया। इस तरह से हम चीजों को यूज करेंगे और एक दो बार यूज करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर मिटा देता हूं क्योंकि ये सब चीजें तो यूज करते रहेंगे, बहुत यूज करना है, बहुत लिखना है, यही लिखना है अभी 18-20 घंटे तो सोम में। तो ये भी यहाँ पे इरेज करते हैं। तो आप समझिए, तो जैसे ये वाला फेस है, ठीक है, यहाँ पर अब मेरे को वैल्यू लिखना है, जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट भूल जाओ, अब सीधा वो शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे उसको समझिए। अब अगर आप लेफ्ट साइड से, सॉरी राइट साइड से लिख रहे हैं, ये कौन सा साइड, राइट साइड से, तो राइट साइड से अगर आप शियर फोर्स का वैल्यू लिखना चाहते हैं इस एक्स एक्स सेक्शन पे, ये आपका जस्ट राइट वाला फेस है, जस्ट राइट वाला है, आप ऐसा कह लीजिए, ठीक है, जस्ट राइट वाला है। तो जस्ट राइट वाले फेस पे अल्जेब्रिक सम करिए ऑफ ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस। ऑल ट्रांसवर्स फोर्सेस कौन कौन सा है, आर बी ऊपर है, यहाँ पे तो आर बी ऊपर दिखा दो, पी नीचे है तो पी नीचे दिखा दो, ये आर बी और ये पी, तो आर बी का वैल्यू कितना, पी बाई टू और पी, तो यहाँ पे क्या आएंगे आप देखिए, आप सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसका इफेक्ट ज्यादा है, डाउनवर्ड फोर्स का इफेक्ट ज्यादा है, मतलब पी माइनस आर बी, तो जो नेट यहाँ पे फोर्स आएगा शियर फोर्स वो डाउनवर्ड आपको दिखेगा, ये जस्ट राइट वाले फेस पे है ना, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पी बाई टू, क्यों, आर बी का वैल्यू पी बाई टू है, तो पी माइनस पी बाई टू करोगे तो डायरेक्शन क्या है, जो पी का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन होगा पी बाई टू का, है ना। तो इस जस्ट राइट वाले फेस पे जो आपको शियर फोर्स दिख रही है, जस्ट राइट वाले फेस पे वो जो शियर फोर्स दिख रही है वो पी बाई टू की दिख रही है, तो जस्ट राइट वाले फेस पे, तो मान लो अब सेक्शन, साइन कन्वेंशन अप्लाई करो, सेक्शन ये, सो सेक्शन के जस्ट राइट में अगर नीचे, तो इक्विलिब्रियम के लिए जस्ट लेफ्ट में ऊपर रोटेशन हो गया क्लॉकवाइज, तो शियर फोर्स का नेचर हो गया पॉजिटिव। समझ में आया, पहला तो दो चीज अल्जेब्रिक सम हम कैसे देखेंगे, ठीक है। तो अगर इसी को इक्वेशन के फॉर्म में यहां पे लिख के दिखाऊं, इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिख के दिखाऊं इस सेक्शन पे शियर फोर्स एस एक्स, ठीक है, किधर से लिख रहा हूं, बी साइड से लिख रहा हूं, तो आप लिखोगे एस एक्स इक्वल टू आर बी, अगर आर बी को आप प्लस ऊपर कंसिडर कर रखे हैं, आर बी को ऊपर ऐसा कंसिडर कर रखे हैं पॉजिटिव, तो हम लिखेंगे आर बी माइनस पी, ठीक है, क्या लिखेंगे, आर बी माइनस पी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, पी बाई टू, यहां पे थोड़ा मिटा देता हूं, ठीक है, समझो पी बाई टू माइनस पी तो इक्वल टू माइनस पी बाई टू। अब ये माइनस पी बाई टू का क्या मतलब हो गया, माइनस पी बाई टू का मतलब आप सीधा देखोगे, अरे एस एक्स का वैल्यू तो माइनस पी बाई टू आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, वो माइनस पी बाई टू नहीं आ रहा है उस सेक्शन पे, वो एक्चुअली क्या आ रहा है, ये जो माइनस यहाँ पे आ रहा है, ओके, वो कौन सा, इसका डायरेक्शन क्या है, इस माइनस का डायरेक्शन क्या है, ये आर बी के अपोजिट डायरेक्शन में है ये बता रहा है, इस माइनस का ये मतलब है कि वो आर बी के अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे जो माइनस है वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जो शियर फोर्स वहां पे है वो आर बी के अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब उस फेस पे अपवार्ड नहीं है, अगर अपवार्ड होता, क्यों, आर बी को अपवार्ड हमने यहाँ पे प्लस में लिखा है ना, और डाउनवार्ड पी नेगेटिव में आ गई है, ठीक है, तो ये माइनस डायरेक्शन में है, मतलब जो पी का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में यहाँ पे शियर फोर्स है, मतलब डाउनवर्ड, मतलब राइट फेस पे डाउनवर्ड, लेफ्ट फेस पे अपवर्ड, तो ओवरऑल जो नेचर होगा शियर फोर्स का वो होगा पॉजिटिव। समझ में आया, ठीक है, ये बात होती है, तो इस तरह से इक्वेशन को लिखा जाता है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि शियर फोर्स समझा आपने, डिफिनेशन समझा, कैलकुलेशन का बेसिक ट्रिक आपको मैंने समझाया, जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट समझाया,
साइन कन्वेंशन समझाया, इन सब चीजों में किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ये सारा बेसिक पार्ट है, जिंदगी भर बच्चों का क्लियर नहीं होता है, जिंदगी भर कंफ्यूजन रहता है, तो आप इन सब चीजों को क्लीन करिए। ठीक है, मैंने पढ़ा दिया चारों बगल से, हर एक एंगल से जो भी पॉसिबिलिटी था उस हर एक एंगल से बता दिया। चीजों को देखिए, सुनिए, जैसा जैसा बता रहा हूं उसको सोचिए, ओके। और मान लीजिए कोई कंफ्यूजन आपको रहती है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए या फिर हमसे कांटेक्ट करिए किसी भी तरह से। आप ये क्लासेस जहां पर भी देख रहे हैं आप अपने अथॉरिटी से कांटेक्ट करिए, आपका जो भी डाउट है वो हम क्लियर करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।